हे गुड इवनिंग गाइस, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जैक एंड ऑस्कर के बच्चों के बारे में। दोस्तों ये एक पिटबुल डॉग ब्रीड है और ये जो जैक है ये चैंपियन है। हालांकि पिटबुल केसीआर रजिस्टर नहीं होते बट इनकी भी काफी सारी चैंपियनशिप होती है। तो अगर आप लोग चैंपियन लाइन के पिटबुल को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग एकदम परफेक्ट वीडियो को देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी पिटबुल को परचेज करने के लिए। और गाइस धमाल तो इंस्टाग्राम पर भी मचा हुआ है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी की डॉग्स ब्रीड मिल जाएंगी और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो पिटबुल पपीज हैं ये फाइटर लाइन से हैं। तो आप में से जो लोग भी इस टाइप के पिटबुल को रखना चाहते हैं तो भाई आप लोग इन पपीज के लिए जा सकते हैं। और जितने ही पपीज हैं सभी की क्वालिटी फादर के ऊपर गई है। और दोस्तों एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए बट इस ब्रीड की पॉपुलरिटी कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि रिसेंटली भी इसके ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी बट फिर भी इसकी पॉपुलरिटी वैसी की वैसी ही है। क्योंकि भाई पिटबुल का एक अलग ही लेवल का क्रेज है यार, लोग इसे परचेज करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। क्योंकि पिटबुल वन ऑफ दी एक्टिव एंड पावरफुल डॉग ब्रीड में से एक है और इसी वजह से इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आप लोगों को पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि रनिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज। ये इन डॉग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो फ्रेंड्स पिटबुल का इतना ज्यादा वेट नहीं होता और इसी वजह से ये काफी फुर्तीले होते हैं और ये शॉर्ट कोट में होने की वजह से इनके कोट को मेंटेन रखना बिल्कुल ईजी होता है। और फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं कि इन्हें ट्रेन करने में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, पिटबुल को आप लोग काफी आसानी से ट्रेन कर सकते हो। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पपीज के जो फादर हैं ये चैंपियन हैं, तो ये आप लोग इसकी कुछ अचीवमेंट देख सकते हैं। बाकी इस डॉग के बारे में आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो उसके लिए आप लोग डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स पपीज की और पेरेंट्स की क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो अब बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पपीज हैं आज ये 20 डेज के हुए हैं और फिलहाल ये सेल के लिए नहीं बल्कि बुकिंग के लिए अवेलेबल है। और ओनर की जो लोकेशन है वो है आसान करनाल हरियाणा से। बाकी दोस्तों डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे जहाँ तक उनके लिए पॉसिबल होगा, या फिर अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ओनर के पास जाकर भी इन पपीज की क्वालिटी वगैरह चेक करके भी इन्हें परचेज कर सकते हो। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई पपीज फाइटर एंड चैंपियन लाइन से हैं एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 13,000 पीस 13,000 रुपए एंड फीमेल की 9,000 पीस यानी 9,000 रुपए। बट अगर आप लोग इन्हें बुक करते हैं तो उसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को पपीज की क्वालिटी और प्राइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।